आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। धरती माँ हम सबकी माँ है। धरती से हमें कितना कुछ मिला है और इसके बावजूद भी हम अपनी बढ़ती हुई आकांक्षाओं के कारण इसी धरती माँ का सीना चीरने में हिचकिचाते नहीं हैं। धरती माँ का आभूषण यानी कि उसकी हरियाली भी आज उससे छीन ली गई है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में आद्या एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में यमुना मिशन मार्ग पर वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सिद्धार्थ वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती शिल्पा वर्मा द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी माँ की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी महिलाओं व बेटियों द्वारा पृथ्वी माँ का पूजन किया गया। उसके बाद संस्था की अध्यक्ष द्वारा श्रीमती शिल्पा वर्मा का माल्यार्पण करकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधते हुए ये शपथ ली कि हम सभी माता और बहने अपनी माँ के साथ व यमुना माँ और पृथ्वी माँ को भी साफ और स्वच्छ बनाएंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, जिससे कि पृथ्वी माँ को थोड़ी सी राहत मिल सके और यमुना के किनारे वृक्षारोपण से माँ यमुना को भी कृष्णकालीन यमुना का स्वरूप मिल सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती शिल्पा वर्मा ने अपनी माता जी को प्रणाम करते हुए कई वृक्ष लगाए और इसे एक सुखद अनुभव बताया। आज ये वृक्षारोपण मैंने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में किया है और ये वृक्षारोपण करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये यमुना मिशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया है ये आगे चल के बहुत ही इस जगह को स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। यहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और योगा और अपनी एक्टिविटीज़ और पिकनिक के लिए इस जगह को प्रयोग करेंगे और आगे आने वाले समय में ये जगह बहुत ही सुंदर और सुखद होने वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम हम सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर आज संपन्न किया गया है, जिसको लेकर कि हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि पृथ्वी से वृक्षों को काटा जा रहा है लगातार और धरती माँ के सीने को छीला जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ आवश्यकताएं जो हैं इस तरह की हैं कि जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तो वृक्षों को काटा जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको काटा जा रहा है तो नए वृक्ष उनकी जगह लगाए जाने चाहिए। कार्यक्रम में पधारी समाज सेवी व एडवोकेट प्रतिभा शर्मा ने भी वृक्षारोपण करते हुए बताया कि यह एक सराहनीय कार्य है। एक वृक्ष हम अपनी माँ की आयु के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगाएं, क्योंकि माताओं की आयु इस वक्त बढ़ ही रही है, तो जैसे जैसे वृक्ष रोपित होगा तो हम लोग को भी संतुष्टि होगी कि हाँ, हमारी माँ स्वस्थ है, वृक्ष स्वस्थ है। क्योंकि कहा जाता है कि वृक्ष से ही प्रत्येक स्वास्थ्य की चर्चा की जाती है। जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूखने लगता है तो ये पता लगता है कि घर में कोई आपदा आने वाली है या कोई व्यक्ति बीमार होने वाला है। तो इसी तरीके से वृक्षों के लिए जो लगाने का संकल्प रश्मि जी ने लिया है, इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उनको, सभी लोगों को उनकी इस नई सोच से अपने आप को प्रेरित करना चाहिए और ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी धरा जो आज शोषित होती जा रही है वो फिर से पुनः पल्लवित होगी और खुशहाली हमारी धरा पर होगी। और ब्रजभूमि तो जाने ही वृक्षों के लिए जाती है, तो वृंदावन और मथुरा वृक्षों का ही वन है, इस पर वृक्ष लगाना हमारे लिए पुनीत कार्य है। भागवत आचार्य लता महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया। और इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सभी मेरी माताएं बहनों ने, सखियों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है। संतजन भी कहते हैं, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसीवट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो वृंदावन में तो प्रकृति अपने स्वरूप को लेकर बैठी हुई है यहाँ पर, और प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रकृति के सान्निध्य में रहता है। और हमारी ये विशेषता होनी चाहिए प्रत्येक मानव की कि हम प्रकृति का संतुलन करें और प्रकृति की संरक्षा करें। और प्रकृति का संरक्षण जो है वो होगा तो केवल पेड़ पौधे लगाकर ही होगा, वृक्षारोपण करके होगा। तो हम प्रत्येक देशवासी हर पर्व पर, हर त्यौहार पर एक ऐसा संकल्प रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाकर अपने पर्यावरण
पर्यावरण को संरक्षित करें। संस्था की अध्यक्ष रश्मि शर्मा ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अपनी माँ का तो सभी ख्याल रखते हैं, धरती माँ है और उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। मातृ दिवस पर हम अपनी माँ का तो हम सभी सम्मान करते हैं। धरती माँ जो हम सबकी माँ है, यानी हमारी माँ की भी माँ है, उस माँ को हम देख रहे हैं कि उस धरती माँ के माथे पर आज शिकन है, उसका जो शरीर है आज कहीं ना कहीं वो तप रही है। तो वो शिकन, वो तपन हम कैसे दूर करें, उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम वृक्षारोपण करें, ताकि हमारी धरती माँ को थोड़ी सी राहत मिले, उसे एक सुखद एहसास हो। वृक्षारोपण आज की एक महती आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन वृक्षों को काटते तो जाते हैं लेकिन उनका संवर्धन करने के लिए हम कुछ नहीं करते। तो आज जितनी संख्या में हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, हमारी धरती माँ को उतना ही सुकून मिलेगा। और आज सभी यहाँ पर बहनों ने, हमारी बेटियों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम में सहभागिता की, मुझे बहुत बहुत किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूँ कि सभी लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया। मेरा ये मानना है कि वृक्षारोपण करके हमें हमारे लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी धरती माँ के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, जिससे कि हमारा क्लीन सिटी बने और हमारी जो यमुना मैया है वो भी हमारी माँ है, हमारी माँ भी हमारी माँ है और धरती माँ भी हमारी माँ है। तो हमें अपनी माँ की तरह ही उन दोनों माँ की केयर करनी चाहिए। इनका ये सबसे बेस्ट, इनका जो नेगेटिव पॉइंट है हमारी यमुना का जी का, जो हरियाणा से होके आ रही हैं, ये जो है क्या नाम है उसका, हथनी कुंड होकर, तो जितना भी ये दिल्ली से जो प्रदूषित हो रहा है, तो दिल्ली वालों को ये स्पेशली हमारी केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी हमारा, ये जितने भी हमारे औद्योगिक जो कारखाने हैं, ये पहले अपना फिल्टर करें, तब उस फिल्टर पानी को यमुना में डालें। गंगा यमुना दूषित है, तो हमें भी उनका संरक्षण करना चाहिए। सब मिलकर करेंगे, सब अपनी सोच से करेंगे, अपने विचार से करेंगे, तभी ही यमुना जो है प्रदूषित होने से बच सकती है। इसी भावना के साथ वो श्री यमुना महारानी की मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। यमुना का किनारा।